साथ इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है। बीती रात जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उन्हें घेर लिया और इस वजह से संजय सिंह को कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील करनी पड़ी। जेल से निकलकर संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी से मुलाकात की। वहां से वो पार्टी दफ्तर गए जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाने साधे। संजय सिंह ने दो टूक कहा है कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जल्द बाहर निकलेंगे, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जश्न पर सवाल खड़े कर दिए। देख पा रहे हैं संजय सिंह को कल जमानत मिल गई है और उस वक्त तस्वीरें जब संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकले, उसके बाद वो सीधे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे। करीब 10 से 15 मिनट तक उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और उसके बाद वो आप दफ्तर पहुंचे, यानी कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भव्य स्वागत उनका किया गया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथ पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे। हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। सशर्त शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। ऐसे में संजय सिंह ने जेल से निकलते ही केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम आवास पर मुलाकात की है। संजय सिंह ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट की मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हो गए। संजय सिंह दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने सिसोदिया की पत्नी के पैर छुए और जेल में बंद मनीष सिसोदिया के बारे में बातचीत की। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पैर छू सुनीता केजरीवाल का आशीर्वाद और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं मनीष सिसोदिया की पत्नी से भी उन्होंने मुलाकात की है। ताइवान में आए सरकारी भूकंप की वजह से वहां हाहाकार मच गया। कुदरत के इस कहर की वजह से ताइवान के कई इलाकों में तबाही मच गई और कई इमारतें देखते ही देखते धराशायी हो गईं। ताइवान में आए जलजले की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई और उसकी वजह से वहां 9 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए, लेकिन इस भूकंप की वजह से ताइवान के लोग दहशत से भर गए। वहां से आए एक वीडियो को देखने के बाद तो लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से ताइवान की धरती ही उलट जाएगी। भूकंप के इस भयानक वीडियो को देखने के बाद लोगों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वीडियो ताइवान के एक हाईवे का बताया गया जिसे कार के अंदर लगे एक कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में हाईवे से कुछ गाड़ियां गुजरती दिखाई दी, सड़क की दूसरी लेन पर एक बस भी तेजी से चलती नजर आई, लेकिन उसी दौरान वहां 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आ गया। भूकंप की वजह से सड़क पर चल रही गाड़ियां बुरी तरह हिलने लगी, देखकर ऐसा लगा जैसे गाड़ियां सड़क पर उछलती हुई चल रही। थोड़ी दूर जाने के बाद बस और दूसरी गाड़ियां सड़क पर रुक गईं, लेकिन भूकंप के झटकों की वजह से वो ऐसे हिलते रहीं जैसे उन्हें कोई जोर जोर से हिला रहा हो। सड़क पर गाड़ियां रुकी रहीं, लेकिन वो जलजले की वजह से किसी खिलौने की तरह हिलती नजर आईं। जब तक धरती हिलती रही तब तक गाड़ी में बैठे लोगों की सांसें थमी नहीं। 35 सेकंड का ये बताने के लिए काफी था कि ताइवान में भूकंप ने किस तरह की तबाही मचाई होगी। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, जैसे ही वो अंदर गया पूरी इमारत हिलने लगी। डर के मारे घर के अंदर सो रहे लोग भागकर टेबल और दूसरी जगहों पर छिप गए।
और ताइवान में आए इस विनाशकारी भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस में भी महसूस किए गए। इसी वजह से इन तीनों देशों में सुनामी के अलर्ट जारी कर दिए गए। समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया गया। हालांकि जापान और फिलीपींस ने सुनामी का अलर्ट हटा दिया। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप के लिहाज से ताइवान बेहद संवेदनशील है और इसकी वजह है धरती के नीचे मिलने वाली सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेटें, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से इस इलाके में दुनिया के सबसे भूकंप आते हैं। ताइवान प्रशांत महासागर में स्थित है और इसी वजह से ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का मतलब प्रशांत महासागर के उन इलाकों से है जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर जापान, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक होता है। दुनिया के 15 देश इस रिंग ऑफ फायर की जद में। इन 15 देशों में ही दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। ये पूरा इलाका 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने एक्टिव ज्वालामुखी हैं, उनमें 75% इसी क्षेत्र में। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ताइवान की धरती के नीचे से पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट गुजरती है। ये प्लेट आपस में टकराती है तो भूकंप आता है, समंदर में सुनामी उठती है, ज्वालामुखी फटते हैं। इसी वजह से जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1,000 भूकंप आते हैं। इधर केरल में लोकसभा चुनाव के लिए SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को समर्थन देने के ऐलान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। इसे लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए हमलावर हो गई क्योंकि SDPI प्रतिबंधित संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल विंग है। और उसी लोकसभा चुनाव के लिए केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF को अपना समर्थन देने का कर दिया। PFI की पॉलिटिकल विंग SDPI के इस ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। एक रोज पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगा दिया। SDPI का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। कलबुर्गी में अपने रोड शो के दौरान अमित शाह ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का भी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस ब्लास्ट के तार PFI से भी जुड़े हैं। हालांकि SDPI के समर्थन देने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस पर सफाई दी। कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया कि SDPI के साथ न तो कोई चर्चा हुई और न ही किसी तरह का कोई समझौता हुआ। कांग्रेस ने दलील दी कि पिछले लोकसभा चुनाव में SDPI से समर्थन नहीं मिलने के बाद भी केरल की 20 सीटें उसने जीती थी। और खबरें हैं कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए ही पॉलिटिकल विंग SDPI ने केरल की एक भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि देश भर में उसने 18 उम्मीदवार उतारे हैं। 2006 में बने PFI पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर लोगों की हत्या करवाने के आरोप लगे हैं। इसी वजह से सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि PFI पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने के आरोप लगे थे। यही नहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम और राजस्थान में तो इस संगठन के लोगों के मार्च पास्ट करने के कुछ वीडियो भी सामने आए थे। उन वीडियो में PFI के कार्यकर्ता बाकायदा पहनकर सड़क पर मार्च निकालते नजर आए थे। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में छोटा बच्चा PFI के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिया था। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया था कि PFI कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही नया रूप है। वजह ये थी कि क्योंकि PFI को खड़ा करने वाले ज्यादातर लोग सिमी। हालांकि PFI खुद को दलितों और मुसलमानों के हक में लड़ने वाला संगठन बताता है। जानकारी के मुताबिक PFI ने 2009 में चुनाव के लिए SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। SDPI नेशनल पार्टी होने का दावा करती है। हालांकि उत्तर भारत में इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के दो राज्यों केरल और कर्नाटक में इसकी अच्छी पकड़ मानी। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी